बिस्मिल्लाह रब्बिल रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहने और भाई खैर खैर ऐसे होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो माशाल्लाह से सुहाना अम्मी और मैं आए थे गाय का दूध निकाले। अभी माशाल्लाह से आपको पता है ना, अभी मौसम कुछ चेंज हो रहा है और सर्दी जो है कम हो गया, धूप निकल आती है। तो अभी गाय का दूध पकड़े भाभी। तो माशाल्लाह से देखिए दूध निकाल लिया, काफी सारा दूध निकाल लिया है। अस्सलाम वालेकुम बस, तो कैसे हैं आप सब? तबीयत काल हमने भी लोग नहीं बनाया था क्योंकि अभी नया नया मेरे मियाँ का काम है ना, उसी पे होते हैं ज्यादा, अभी तवज्जो उस पे कर रहे हैं और शाम को कभी लेट आते हैं, इसलिए हमने कहा अभी नया नया काम है ना उस पे जो है फोकस करो और अभी टाइम उसको दो ना, फिर इसलिए कल हम भी लोग नहीं बना सके। तो चल के देखते हैं हादी बेटे का खिलौना और व्यद को भी दिखा। हमने कहा था कि खिलौना लेते हैं ना, अभी बड़ा हो रहा है ना, खेलेगा खेलेगा। चले चले आते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने दरवाजा खोला था, हमें पता था ना क्या भाई बाहर कर रहे थे। हाँ मैं अभी इधर आया हूँ ना, थोड़ा बहुत माहौल देख रहा था बाहर का। मैंने कहा ताजी हवा लग जाएगी, वैसे तो हवा में आया हूँ। ये लो सामान तो पकड़ लो। सुहाना क्या हो गया? सुहाना देख रही है भाई से, कुछ सामान तो ले लो, थका हुआ आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? तो ये देखें जी क्या लेके आया हूँ। हादी बेटे की, ये तो वो संसार है, वो क्या बुलाते हैं? डायनासोर। डायनासोर अब्दुल हादी के लिए है। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी से भी बड़ा खिलौना है, तो इसलिए तो अब्दुल हादी पकड़ लिया है उसने भी। आते है ठीक है, पूछड़ से खेल रहा है और तो बड़ा है ना, वो कहीं से पकड़ नहीं सकता ना। पकड़ो अंदर चल के। चलिए आपको आज कैसे याद आ गया कि क्या उठाया हुआ आपने? ये हादी बेटा लेके आए थे। आज कैसे याद आ गया? खिलौना नहीं था ना अब्दुल हादी का, असल में मुझे बस आते हुए यही एक नजर आया, मैंने कहा ये ले लेता हूँ बस, ठीक है। तो अब्दुल हादी के लिए बस कोई खिलौना नहीं था, इसलिए बाजार से आ रहा था तो मुझे ये नजर आया, मैंने कहा ये ले जाता हूँ अब्दुल हादी। चले ठीक है तो बड़ा, लेकिन ये ना ये बेड पे बैठ के तो फिर खेलता रहेगा, चार पाई पे भी बैठ के खेल सकता है। बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। आज आज चलते हैं, कहता है अभी दो मुझे, मैं खेलता हूँ। चलो फिर उठा लेना, आ जाओ कुछ। ये ना काम की चीज है, देखो दे 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 बस, ये ले छोड़ दे चला। आपसे तो कितना बड़ा है अब्दुल हादी से भी बड़ा खिलौना, अभी देखना ये बेटे के साथ अब खेलेगा, प्यारा लगेगा। मुझसे भी बड़ा लग रहा था, चल इधर बैठ के खेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मां? अल्लाह। अच्छा पहले मैं खुद डिटे में मैं डर गया, मैं कहियो तो अच्छा मैं कहियो तो गिर गयो ना, छोटे बाल देख के डरन पाए। अब्दुल हादी ये दे दो इस पे बैठ के सवारी, ये उधर बिठा दो ना, चार पाई उठाना, चार पाई के ऊपर रखो फिर खेलेगा। हां ये कार पे बिठा दे, चार भाई के ऊपर रख दो, हाँ इधर ले आओ, उस साइड पे ले आओ, उस साइड पे ले आओ, आगे ये इधर ऐसा उठा लो, मेरी ये अंदर रख दो, खराब हो जाएगी, कभी कहीं आना जाना पड़ जाता है ना यार, ठीक है समझ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा खराब ना हो जाए, बाहर पड़ी हुई थी क्या रखा करो, एक चश्मा है मेरा मैंने ले के रखा हुआ अपनी पसंद का। नहीं नहीं तुमने सुबह काम पर जा रहे थे उठाया था, फिर मैं भूल गया था, नहीं गिर गया अभी देखें भाई। अच्छा ये गिर भी जाए ना कुछ भी नहीं होता इसका, ये फायदा है, इसको कुछ भी नहीं होता, जो मर्जी करता रहे ना, एक ना रस्सी बांध के दे देंगे तभी ताकि ये वजन भी नहीं है इसका, और ये जो मर्जी इसके साथ करे ना कुछ भी नहीं होता।
ये सब्जियां निकाल लो, ये लो। अच्छा ये ना मैं तार लेके आया था, ठीक है। तो कल का दिन आपका भाई इधर ही है, कह नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो मेरी मोटर है ना व्यास, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हो गई है खराब, ठीक है। तो कुछ सामान लेके आया था, तार वगैरह भी लेके आया था, क्योंकि दूसरी मोटर का भी कह के आया हूँ, वो सुबह भाई आएंगे, वो लगा के दे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप तार लेके आए हैं? हाँ ये तार लेके आया हूँ, ठीक है। अभी को खोले ना, फिर तार लगाने। हाँ नहीं वो मैं देख रहा हूँ ना, तार उधर तक पहुँच जाएगी, इसको उधर से पकड़ना। ओ अब्दुल हादी, ओ ओ और ये सब्जी लेके आये, और ये टेप है जो लगानी है सुबह, और मिस्त्री भाई आएंगे ना, मैंने कहा शायद वो ना लेके आए, इसलिए मैं खुद ही लेके आ गया था। वैसे भी घर में पड़ी हुई काम आती रहती है। अच्छा ये ना इधर ही निकाल लो, ये लो माल्टे। अच्छा माल्टे ना माशाल्लाह, माल्टों की मौसम है व्यस्त, ठीक है, और फ्रेश माल्टे, ठीक है। हमारे इधर आपको पता है पाकिस्तान में तो बाग है, ठीक है, तो इस टाइम इसकी जो है ना, हाँ इधर इधर चल रहे हैं मौसम के हिसाब से माल्टे, ठीक है। फ्रेश माल्टा है, देख रहे माशाल्लाह। वैसे वैसे तो कोई भी देखी जाए चीज, तो हर चीज ही अल्लाह पाक की नेमत है माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन ये भी एक कुदरती चीज है, मेवा है व्यास, ठीक है। एक दरख्त है, दरख्त के ऊपर ये देखें माल्टे लगते हैं मौसमी, और कोई मीठा है कोई खट्टा है, तो इस तरीके से हर किसी का टेस्ट है। अच्छा अब्दुल हादी को अभी साया जी, देखें एक मिनट नहीं बैठेगा, अब ये खेलता रहेगा। अभी मेरे बेटे के और भी खिलौने लेने हैं, ये तो मैं आ रहा था तो मुझे नजर आ गया, मैंने कहा ये लेके जाता हूँ, तो इंशाल्लाह ये अभी कुछ बड़ा तो हो जाए, बैठने लायक, उठ के टूटने लायक हो जाए ना, समझदार हो जाए, जैसे कि फिर जो है ना इसके लिए कोई और खिलौना ले आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ सही है, क्योंकि अभी हाँ। आपको पता है ना, अभी छोटा है ना, ये गिर भी जाता है ज्यादा, चोट लग जाती है ना, सही बात है। ख्याल करना पड़े, चले अभी सब्जी बनाती हैं। हाँ ले जाए, ले जाए किचन में। माशाल्लाह से अभी किचन में आ गए हैं, सब्जी में बना रहे हैं रात के खाने में, मटर आलू गाजरा, क्योंकि आपको पता है ना अभी मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है, लगता है गर्मी आ गई है। हाँ ऐसे लगता है जैसे आज बारिश हो जाए, इतनी ज्यादा गर्मी हमें लग रही है। हाँ क्योंकि अभी हमारे पास देखना मच्छर भी शुरू हो गया, गर्मी आ गई है ना, इसलिए आज बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगा। हमारे पास सर्दियाँ भी टाइम से आ जाती हैं और गर्मियाँ भी टाइम से आ जाती हैं। सर्दी भी बहुत थी, आपको पता ना धुंध बहुत ही थी और ठंड बहुत ज्यादा थी, तो देखना इस बार गर्मियाँ भी वैसी आएंगी, मच्छर शुरू हो गया है। तो आज वैसे हमने सोचा इधर तनूर को भी नया बनाएंगे, देखना रोटियाँ भी इसके ऊपर बनानी है ना, अभी चूल्हे को भी नया बनाएंगे, अभी ऐसे बैठ तो गया, हमने सोचा अभी मट्टी ले आएंगे, इसको भी नया करेंगे, और ये सारा खराब हो गया है ना। वैसे ऊपर से भाभी एक माह रहता है, रमजान भी आने वाला है, तो इस बार भाभी मैं सारे रोजे रखूंगी इंशाल्लाह, मैं भी रखूंगी, आपके भाई भी कह रहे हैं वो भी रखेंगे इंशाल्लाह, सारी फैमिली का इरादा है कि इस बार जो है रोजे सबने पूरे के पूरे करने हैं। अल्लाह पाक हर किस पे समा है रमजान नसीब करे, बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि एक साल बाद आता है, तो रोजे तो रखने चाहिए, और दुआ भी सबके लिए इंशाल्लाह करेंगे जी भाभी, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ भी करेंगे। वैसे भी हम सब हर नमाज के साथ ही सबके लिए दुआ मांगते हैं, दुआ तो करनी चाहिए वैसे भी। मैंने कहा गाजरों की जो है कटाई कर लूं, फिर सुहाना ने मैं सुहाना को कहा मैंने आप मटर निकाल लीजिए,
जी भाभी अभी गर्मियों की भी सब्जी आने वाली है ना। हाँ सब्जी सब्जी आपको पता है ना, आलू तो वैसे हर सब्जी में मिक्स होते हैं ना, आपको पता है आलू तो कभी खत्म भी नहीं होते। और ये चीजें गाजरों की मौसम क्या पता है गर्मियों में खत्म हो जाए, मटर भी खत्म हो जाए, भिंडियाँ आ जाएंगी, तूरियाँ आ जाएंगी, कद्दू आ जाएंगे, ये चीजें आ जाएंगी, कद्दू शरीफ आ जाएगा। और वैसे गर्मियों की सब्जी भी बहुत ही मजे की होती है, गर्मियों की होती है। अभी मेथी भी खत्म हो गई है, अब ये चीजें खत्म हो रही है ना। तो वैसे माशाल्लाह से इलेक्शन भी आ गया है, तो आप लोगों ने वैसे किसको वोट देने हैं? हम सोचते हैं कि हमारा अच्छा जो है पाकिस्तान का हुक्मरान आ जाए, और दुआ भी करते हैं बहुत सारी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अच्छे हो जाएंगे। आपको पता है ना महंगाई इतनी हो गई है, कोई ईमानदार लीडर आ जाएगा तो हमारे मुल्क की जो है कोई अच्छी सोचेगा, ये तो नहीं सोच रहे हमारे मुल्क के बारे में, जैसे जिसका दिल आ रहा है वो वैसे ही कर रहे हैं। हम तो अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि हमारा कोई अच्छा सा लीडर आ जाए जो हम गरीबों के बारे में सोचे, महंगाई खत्म करे और पाकिस्तान को खुशहाल बना दे, यही दुआ है हमारी। तो गरम भाई को बुला के ले आना। चलो मेरा भी देखा, आ जाओ भाई रोटी खा लो। आ गया मैं, आ गया अब्दुल हादी और मैं आ गया। ये हमारा सोफा है, वो कहाँ से उठा रहा है? कचरा नहीं उठाना मेरा बेटा, कचरा नहीं खाना, रोटी का टुकड़ा दे दो ना। रोटी खाते हैं ये लो अब्दुल हादी, आज रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी ये साला रोटी खाता है मेरा बेटा। एक मिनट इसको थोड़ा सा टुकड़ा देना नीचे, इधर ले मैं, ये मुझे भी नहीं खाने देगा, खाना को दे देना, आप खाना खा ले, मुझे दे दो अब्दुल हादी को भाई, ये लो भुगा दे इसकी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वैसे देखें क्या बना हुआ है जी, धुएं निकल रहे हैं आलू गाजरों में से, ठीक है, फ्रेश फ्रेश है ना, खा लो। मैंने कहा भी खा लिया, ये पानी भी पड़ा है। तो हमने बाहर सालन बना के ना अंदर आ गए, हमने सोचा बाहर अम्मी रोटियां बना रही है तो अंदर बैठ के सब फैमिली खा के, कुछ तो चली गई है लेकिन अभी ये आए हैं, मैंने कहा आप इधर खा ले। सारा दिन काम पे होते हैं, मैंने कहा भूख लगी हुई, नहीं भूख नहीं लगती, खाना पीना उधर अच्छा है माशाल्लाह। तो ये तो अच्छी बात है। चले ये बताएं कैसा बनाया, वैसे भी कोई भी काम हो ना पहले मैं खाने का पूछता हूँ मैं। मैं गया था, मैंने कहा भाई मैं गया, ज्यादा भूख लगती है पते को, मैं गया ना मैंने कहा भाई पहले ये बताओ खाने का क्या रूटीन है, ठीक क्या टाइम टेबल है आपके खाने का, उसके बाद आपका भाई जो है ना उधर काम पे रुका है, पहले खाने का पूछा है। एक माँ जो हो गया रेस्ट के घर, जब खाने ही नहीं मिलेगा अच्छा तो काम कैसे होता है, इसलिए तो मैंने पहले पूछा था, मैंने कहा खाना कैसे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही वीआईपी बना हुआ है, आप खा लेते।